चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, जैसे कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे, राइट। बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की जरूरत है कि जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है, और उसके बाद मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन इस टाइप को बिलोंग करता है, तो उसके बाद ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है तुम्हें बस उसको फॉलो करना है, और चुटकियों में एकदम फवारों की तरह, तोते की तरह फड़फड़ तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे, राइट। शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको सारे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है मैटर नहीं करता, बट जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि मैंने बोला था, हमें देखना है कि किस टाइप को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे dy by dx लिखा है, तो ऑब्वियसली इस टाइप को ही बिलोंग करता होगा, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब देखते से ही तुम खुश हो जाओगे पेपर में कि ये तो इस टाइप को बिलोंग करता है, मुझे तो सब पता है, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, बट नहीं, पेपर सेटर आधे से ज़्यादा एक नंबर के नलायक होता है। तुम्हें लगता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इस टाइप को ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा। वो ऐसा भी हो सकता है कि रिड्यूसेबल टू लीनियर के किसी टाइप को बिलोंग करता हो, तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन को चेक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही तुम खुश हो सकते हो, ठीक है। एनीवे, अब हम पूरा चेक करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन के ऊपर जंप करेंगे किस टाइप को वगैरह वो बिलोंग करता है। अब यहाँ पे dy by dx है, वहाँ पे भी dy by dx है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो क्वेश्चन इस टाइप को बिलोंग करता है, या तो वो रिड्यूसेबल टू लीनियर के किसी टाइप को बिलोंग करता है, बट क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो है ऑब्वियसली, तो वो इसी टाइप को बिलोंग करता है, ठीक है। रिड्यूसेबिलिटी के टाइम पे हम तब का तब देखेंगे, राइट। अब वो इस टाइप को भले ही बिलोंग करता हो, बट वो एग्जैक्टली इस टाइप में नहीं है। यहाँ पे dy by dx plus py is equal to qy, बट यहाँ पे dy by dx है, बट उसके साथ ये है, मतलब वहाँ पे अकेला है, यहाँ पे रिलेशनशिप में है, इसलिए इसको सिंगल करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy by dx सिंगल है, यहाँ पे dy by dx इसके साथ रिलेशनशिप में है, दे प्रीटी मच लव इच अदर एंड ऑल दैट शिट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ब्रेकअप करवाएंगे, इसको सिंगल करेंगे और इसको तो मार ही डालेंगे, हम अनुराग कश्यप के फैंस हैं, राइट। देखो, अगर हर एक टर्म को हम x square minus 1 into sin x से डिवाइड करेंगे तो ये मर जाएगा, राइट। सो हम वैसे ही करेंगे। सो अब यहाँ पे अगर सपोज इसको x square minus 1 into sin x से डिवाइड किया, तो x square minus 1 sin x upon x square minus 1 sin x कट हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो कैंसिल ही कर देंगे, और उसके बाद जो बचा कुचा है dy by dx ऐसे लिखेंगे, प्लस अब 2x sin x प्लस x square minus 1 cos x एंड इसको अपॉन x square minus 1 sin x एंड ये भी माइनस अपॉन x square minus 1 sin x, राइट। अब आगे इंटू y एंड इज इक्वल टू x square minus 1 cos x एंड अपॉन x square minus 1 sin x, राइट। अब ये कट, ये बचेगा, ठीक है, एंड ये कट, ये बचेगा, ओके दैट्स फाइन, ये कट, एंड अभी क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन x square minus 1 एंड उसके बाद प्लस cos, नहीं ना ना ना, cos x अपॉन sin x दैट इज cot x, ठीक है, एंड उसके बाद y इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x cot x। अब यहां देखो, ये प्रॉपरली उस फॉर्म में आ रहा है, dy by dx अकेला है, dy by dx सिंगल है यहाँ पे भी, उसके बाद py, ये हमारा p है, एंड है y किधर गया, ओ माई गॉड, हाँ ये हमारा p है, सॉरी ये हमारा p है, उसके बाद y एंड उसके बाद q, ये हमारा q है, और यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, जो हमारा p और q होता है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारा p और q फंक्शन ऑफ x है, p तो है पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x ही है, और जो q है वो भी एक फंक्शन ऑफ x है, राइट। y की बात नहीं करो, y अलग है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम कन्फर्म कर सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं कि वो इस टाइप का क्वेश्चन है,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी और क्यू सेपरेटली लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एल डी ई ऑफ वाई, मतलब बेसिकली एल डी ऑफ वाई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई, मतलब बेसिकली ये यहाँ पे लिख के हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब वेयर पी इज इक्वल टू, जो पी का वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज टू एक्स अपॉन ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद क्यू इज इक्वल टू कॉट एक्स, पी और क्यू की वैल्यू लिख गई। अब उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा है उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करना है, आंसर निकाल जाएंगे, राइट। सो सॉल्यूशन इज दिस, बट दिस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता होना जरूरी है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, and now e raised to integration of what is p, p is this, so that is 2x upon x square minus 1 and now plus cot x dx, and now we are gonna solve this। सो नाउ देखो, अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमेशा अपने दिमाग में रखना, और ये हमेशा ही बोलते रहता हूँ मैं। अब जब इंटीग्रेशन ऑफ नीचे कोई फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन ऑफ x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, मतलब अगर सपोज इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो क्या आंसर आएगा, 2x आएगा, राइट। सो ऊपर 2x है मतलब उसका डेरिवेटिव है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर इज, ये तो ये वैसे का वैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर इज log into जो भी नीचे है वो, सो log into x square minus 1 इसका आंसर आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log log sin x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे log वाला फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n माइनस 1 इंटू sin x, राइट। अब ये आ गया, एंड उसके बाद e रेशो log कट हो जाएगा, ये हमेशा से होता आ रहा है, सो दैट इज दो मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर ई रेशियो लॉग कट हो जाएगा तो यही बचेगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड उसके बाद साइन एक्स, तो बेसिकली ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब उसके बाद सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले सॉल्यूशन इज लिखेंगे आई ओ एन इज, सॉल्यूशन इज y into integrating factor which is x square minus 1 and then sin x, oh my gosh, and is equals to integration of q, where is q, my lovely q, cot x and then what is this, integrating factor, so integrating factor is this, so that is x square minus 1 and sin x and uske baad gx plus c, right। Now we are gonna solve this। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो cot x को मैं cos x अपॉन sin x भी लिख सकता हूँ, राइट। हमने लाइक cos x अपॉन sin x को ही cot x लिखा था, इसीलिए cot x को मैं cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ, राइट। एंड उसके बाद x square minus 1 एंड sin x dx plus y, आई मीन सॉरी सी। अब यहाँ पे मैंने cot x को sin x अपॉन cos x अपॉन sin x क्यों लिखा था, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि ये sin x और ये sin x कट हो सकता है, राइट, आई मीन हो जाएगा, हो गया। और अब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x और x square minus 1 dx plus c। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसीलिए हम UV रूल अप्लाई करेंगे बट इंटीग्रेशन का, और इसका एक शॉर्टकट मैंने बता के रखा है। अब इंटीग्रेशन के अंदर UV रूल अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो उसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले लाइक यहाँ पे तुम्हें लाइट अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लाइट क्या है, देखो लॉगरिदमिक ये तो आई तो आता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। सो अभी ये जो है वो ऑब्वियसली अलजेब्रिक है और ये जो है वो ऑब्वियसली कॉस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो मतलब ये हमारा यू होगा क्योंकि अलजेब्रिक है और ये पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक ए के बाद आता है और इसलिए ये हमारा वी होगा, राइट। अब यूवी रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन का,
u को तुम्हें वैसे का वैसे रखना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन वी का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। अगर तुम कॉस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा साइन एक्स, और उसके बाद माइनस, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। सो भी यहाँ पे ये पहला वाला है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आएगा 2x, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो अगर सपोज x, आई मीन साइन x को हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा माइनस कॉस x, फिर उसके बाद प्लस, मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, फिर हम सॉल्व करेंगे उसके बाद अगेन माइनस देन प्लस, ऐसे अल्टरनेट होता रहेगा। सो अभी यहाँ पे भी सेम चीज़, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, अगर 2x को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2, एंड उसके बाद दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो अगर माइनस कॉस एक्स तो सबसे पहले माइनस लिख लेते हैं, कॉस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे भी पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बट अगर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो आगे सब 0 ही आने वाला है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे तुम्हारा ये फालतूगिरी खत्म हो गया, एंड आगे हम प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल है, एंड उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको हम 2x cos x भी लिख सकते हैं, एंड इसको हम माइनस 2 sin x भी लिख सकते हैं, और ये कहा गया इसको हम इधर ला लेंगे, क्यों? क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी ये जो है वो मैं सबसे पहले वैसे का वैसा लिखूंगा, y into x square minus 1 साइन एक्स, एंड उसके बाद अब ये जो है वो अगर उधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड साइन एक्स बन जाएगा, राइट? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉमन आता है इसलिए मैंने वहाँ पे लिया, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। सो अगर कॉमन लिया मैंने तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स, एंड उसके बाद y माइनस वन आएगा यहाँ पे, एंड इज इक्वल टू ये वैसे का वैसा 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस c, यहाँ पे प्लस c मत लिखना, मत बोलना, एंड ये आपका फाइनल आंसर है।